बैंक संचालक ने हड़पे 200 खाता धारकों के करोड़ों रुपए, गरीबों के करोड़ों लेकर रफू चक्कर हुआ किस्क संचालक। किस्क बैंक की कार्य प्रणाली हमेशा विवादास्पद रही है। ये लवकुश नगर अनुविभाग अंतर्गत लगभग 2 दर्जन से अधिक कामों के खाता धारकों को ऐसे ही एक किस्क संचालक ने धोखा दिया। 200 लोगों की लिस्ट, सैकड़ों लोग पहुंचे तहसील परिसर, जमकर हुआ हंगामा। इसमें बगमऊ, कटहरा, रेखा, सुमेड़ी, पठवापुरवा, महा राजापुरवा, ऐसे तमाम ग्रामों के किस्क ग्राहक हैं जिनकी राशि हड़प कर किस्क संचालक रफू चक्कर हो गया है। आज अनुविभागीय अधिकारी निशा बांगरे अग्रवाल के समक्ष सैकड़ों लोगों ने अपने साथ हुए फर्जीवाड़े की दास्ता सुनाई। कहाँ से आई हो? क्या घटना हो गई है? पैसा निकाल गया बैंक से, बच्ची लड़के बटने निकाल रहे पैसा, सब लोग के निकाल रहे, और बैंक में 1 रुपया नहीं देगा हमारे। अच्छा, यहाँ कितने देर से बैठी हो? कब से बैठी? हम तो सवेरे से बैठे हैं, रोटी का नहीं खाई, चाय पी के आए हैं भाई, जैसे भूखे प्यासे बैठे, कोई सुनाई नहीं है। मैडम सुनो के आई थी मैडम नहीं आ रही है, पुलिस में है तो ना पुलिस में सुनाई हो रही है, कहो नहीं हो रहा कुछ। देखो इधर देखो, हमारी सुना नहीं, हम नहीं प्राण खो नहीं, हम बहुत आप प्यार पे हाला है, पूजा पल देखो कौन है कि लगना नहीं, मैं तो भी एक भी का पट गया थी, बेची थी पट गया, बेची थी 4 मोरी पट गया ब्याह, अबे चला तो अपना 3 मई को ब्याह भी है, हाँ 3 मई का ब्याह मोरी कोई नहीं सुनाई करना हुआ, मैं प्राण भी खो दूंगी। लगभग 1 सैकड़ से अधिक विवाही आए, इसमें धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, तो मन में मैम क्या कहना है आपका? हाँ, अभी मैंने उनकी बातें सुनी, ज्ञापन लिया है कि केवट 2 भाई हैं, उन्होंने जो है बैंक कियोस्क के माध्यम से लोगों के पैसे लिए, बट बैंकिंग SBI के बैंक में ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं काफ़ी महिलाओं ने मुझे बताई है, तो हमें इस पे मैंने बैंक में भी बात की, तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, 3 महीने पहले उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अब इन लोगों की मांग है कि उन पर आपराधिक कार्रवाई हो, तो उसके लिए हमने SDO में सबसे भी बात कर ली है और TI को भी निर्देशित कर दिया है कि आप संबंधित पर जो है बताया गया कि वो फरार भी हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो हितग्राहियों का पैसा वापस मिलेगा या FIR तक ही सीमित रह जाए, तो क्या इसमें भैया वसूली की जाएगी? वसूली तो की जाएगी, हितग्राहियों के पैसे वापस मिले, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि सब ग्रामीण किसान हैं, मजदूर हैं, बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और बैंक में सुरक्षित रहे हमारा धन, इसीलिए बैंक का सहारा लिया जाता है, तो ये जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था पर विश्वास बना रहे और इनके पैसे वापस मिले, ऐसी हम पूरी कोशिश करेंगे।